मुझे लग रहा है इस टोपे में मुझे ज़्यादा ही पहाड़ी लग रहा हूँ, बट कोई नहीं। तो आज जा रहे हैं पैंगोंग लेक, तो आज का दिन बहुत सही होने वाला है। और हो भी क्यों ना, आज तक इसके बारे में बस सुना ही था, बट आज इसको एक्सपीरियंस भी करने वाले हैं। तो अभी हम पैंगोंग लेक जा रहे हैं, वाया चांगला पास होते हुए जा रहे हैं। वो रास्ते में एक भी हमने स्पॉट नहीं लिया तो हम यहाँ पर रुके थे। और अभी हमारे सामने से एक आदमी कॉन्वॉय भी जा रहा है, काफ़ी लंबा जा रहा है, तो इसलिए भी हम रुक गए। क्योंकि अगर आप गाड़ी कॉन्वॉय के बीच में अपनी गाड़ी ले जा रहे हो तो काफ़ी फंसती जाती है। तो फाइनली रीच चांगला पास। अब लग रहा है 2-3 दिन से हम रह चुके हैं यहाँ पे, तो सर में दर्द नहीं हो रहा है हमारे, तो सब सही है अभी तक। तो मज़ा आ रहा है यहाँ पे, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, 10 डिग्री टेम्परेचर हो गया अभी तक। तो मैं एक बढ़िया सा व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर भी है, तो काफ़ी सही लग रहा है और मंदिर भी मतलब बढ़िया है काफ़ी। तो चांगला पास पर अगर आप आ रहे हैं तो यू कैन मस्ट विजिट दिस प्लेस, काफ़ी अच्छी वाइब लगी मुझे यहाँ की। और एक कैफेटेरिया भी मिल जाता है, तो अगर आपको कुछ सामान वगैरह चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर चांगला पास, चलो आगे मिलते हैं। तो भाई रास्ते में एक बहुत सही जगह मिली है हमें, जहाँ पे मतलब अभी शायद दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ पे बहुत सारे पर्पल पौधे वगैरह हैं, और जो वैली है वो भी मतलब उसके माउंटेन थोड़े पर्पल वगैरह हैं। तो आज का हमारा नया स्पॉट है खाना बनाने का पीछे, तो मैं व्यू दिखाता हूँ, बहुत अमेजिंग है यहाँ का व्यू। हाँ जी मोजे, मज़ा आ रहा है बहुत। आपके ख्याल हैं, इसको इस पार को काटना पड़ेगा। यही सबसे अच्छा लगा। कौन थे सुपर पापे? क्या नज़ारे हैं यार, सच में मज़ा आ गया। हाँ भाई कैसा है तू? डिलीशियस। हमारे माँ शेफ ने बनाया था, बढ़िया होगा। कैसा है मुझे सूप, कैसा है? बहुत बढ़िया। या हमारे सूप के लिए। और ये नदी का फ्रेश पानी। ये रहा मेरा सूप, और नहीं सही में बहुत बढ़िया है। तो चलो सूप पी लेता हूँ मैं। कितने की है? ला पहले मैगी। तो मतलब इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, और जब हम आए थे यहाँ पे तो हमारी अकेली गाड़ी रुकी थी वो साइड, और अब देखो भाई वहाँ पे गाड़ियों की लगभग लाइन ही लग चुकी है, काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, बट हाँ जैसे स्पॉट काफ़ी सही है। तो भाई अब इस सेक्सी सी जगह को पिता बोलने का टाइम आ रहा है, यहाँ पर बहुत मज़ा आया, मतलब काफ़ी सही थी जगह। और आप एक रिक्वेस्ट, अगर आप ऐसी किसी जगह पर हैं तो उसको पूरी नीट एंड क्लीन जैसी थी वैसी छोड़ के जाएँ। हाँ जैसे कि थोड़ा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको आप छोड़ सकते हैं, बट किसी साइड में, बट मेक श्योर आप चीज़ों को थोड़ा सही से करके जाएं, तभी ऐसी जगहों की ब्यूटी मेंटेन रहेगी। तो अब हम निकलते हैं आगे और सीधा मिलते हैं पैंगोंग लेक पे।
बीच यहाँ पे बहुत जाम वाम लग रहा है, कुछ लैंडस्लाइड वगैरह हुई है। तो जैसे ही लेक का पहला विजुअल दिखता है तब समझ आ जाता है कि ये बहुत सही होने वाली है। भाई तो फाइनली मतलब लेक दिख गई और इतनी मतलब जबरदस्त है ना, क्या बताऊँ। इसके लिए इतनी दूर आया हूँ देख के भाई, मतलब दिल तो खुश हो गया। जो इतना ब्लू पानी इतना मस्त लग रहा है ना, बहुत अमेजिंग यार। अभी तो मतलब यहाँ पे पूरा स्टे करना है तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो आगे मिलते हैं जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ नीचे 3 गेट वाला स्पॉट है जहाँ पे उन्होंने सारी चीजें लगाई हुई हैं, तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। पत्थर भी आ रहे हैं भाई। गो 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 तो भाई पैंगोंग लेक जो आज तक व्लॉग्स में देखी थी या सुनाई थी इसके बारे में, आज फाइनली जब उसे मतलब आंखों से देखा अपनी, तो मतलब क्या मस्त है यार, बहुत सही है ये, मतलब मज़ा ही आ गया। मतलब अभी से अभी हमें पानी के अंदर इतने सारे कलर्स दिख रहे हैं दूर से ही, जस्ट मैं पहुंच गया हूँ। तो सामने पूरा व्यू है मस्त बर्फ़ वाले पहाड़ और पीछे मेरे लेक, तो मतलब बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। बेसिकली 170 किलोमीटर्स की है जो कि 40% इंडिया में और 60% पूरा चाइना का है, तो मतलब बहुत ही सही है। वीडियो में सही बोलूँगा इतनी अच्छी नहीं दिखेगी जितनी एक्चुअल में, तो आपको यहाँ पर आना ही पड़ेगा देखने के लिए। तो यहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे स्पॉट हैं जो उन्होंने फ़ोटोज़ के लिए बनाए हुए हैं, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। और ये 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करते हैं, बट अगर आप ग्रुप में हो तो थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो भाई फाइनली पैंगोंग लेक हो गई, मतलब बहुत अमेजिंग जगह है और हमने मतलब बहुत मस्ती करी पूरी फैमिली ने। मतलब वीडियो में कितना भी देख लो, यू कांट एक्सपीरियंस जो आप यहाँ पे आके रियल में कर सकते हो, तो मतलब क्या ही बोलूँ इस जगह के बारे में। मेरा तो मन कह रहा बस यहीं बैठा था, तो यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। तो मतलब करीब 1400-1500 किलोमीटर पूरा हमें ट्रैवल करना पड़ा इसके लिए, बट इट्स ऑल वर्थ, मज़ा आ गया। मतलब पैंगोंग लेक का और ये आइकॉनिक शॉट ना लो तो वो तो हो नहीं सकता। तो इस व्लॉग में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में जिसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कहाँ हमने स्टे करा और सारी डिटेल्स, और करते हैं अब इस व्लॉग को ख़त्म।